मेरी चैनल सादा जो नीलमन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने मूंग की दाल साबुत वाली भिगो दी है और उसको एक रात भिगोने के बाद उसको पानी से धो के दोबारा बंद डिब्बे में रख दिए हैं। हल्के हल्के झीरिए हैं जिसमें से ऑक्सीजन जाता रहता है और ये दाल अच्छे से स्प्राउट हो जाती है। ये देखिए दाल कितनी बढ़िया स्प्राउट हो रही है। और भी अच्छा स्प्राउट करना है तो हम एक बार और पानी से धोएंगे अच्छी तरह से और पानी इसका बिल्कुल निचोड़ देंगे और निचोड़ने के बाद फिर इसको ढक के रख देंगे एक रात के लिए। और एक रात एक दिन में इतनी स्प्राउट हुई और दूसरी रात दिन में कितनी बढ़िया और ज़्यादा स्प्राउट हो जाएगी। जितनी दाल थी उसकी डबल तो भिगोने के बाद हो जाती है और चौगनी हो जाती है स्प्राउट होकर। अब हम इसकी दाल के पकौड़े बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं। ऐसे ही स्प्राउट करी दाल को प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया डाल के मसाला डाल के खा सकते हैं। और नहीं तो आप इसको कोई भी फ्रूट्स वगैरह की चाट बनाकर भी उसमें डाल के खा सकते हैं। ये स्प्राउट की हुई दाल बहुत फ़ायदेमंद होती है। साबुत दाल के ही स्प्राउट निकाले जाते हैं और बहुत जल्दी इसके स्प्राउट्स निकल आते हैं। माइक्रोग्रीन्स बनाकर भी खा सकते हैं। मिट्टी में इसको थोड़ी सी मिट्टी में दबा दीजिए और वो बहुत बढ़िया छोटे छोटे उसके लीव्स निकल आएंगे। फिर उसके बाद उसको हम खा सकते हैं, सलाद के रूप में खाइए या उसकी लीव्स वगैरह निकल आएँ तो उसके पराठे रोटी बनाकर खाइए। ये देखिए और सब्जी भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने मूंग की दाल को स्प्राउट हो गई उसको मिक्सी में पीस ले रही हूँ। उसमें नमक हरी मिर्च हरा धनिया डालेंगे और लाल मिर्च का आपका मन है डालना है तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए। और मैं इसमें थोड़े सपोर्ट के लिए बेसन भी डालूंगी। ये बहुत हेल्दी बनने वाला इसका आइटम है। आप चीला बनाएं या पकौड़े बनाएं या इसमें आटा मारकर भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाला इसका आइटम हेल्दी रहेगा और आप इसको ज़रूर बनाकर खाएं। और जितने भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं यूज़ करें और डेली डेली इसका फ़ायदा लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी पच जाती है और गुणों का भंडार ये मूंग की दाल। आप अपने यहाँ ज़रूर यूज़ करें। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन भी डाल लिया है और मैंने इसका चीला बनाया। हल्का हल्का घी डाल के चारों तरफ से सेक लेंगे। हरी चटनी के साथ पुदीना धनिए की जो चटनी बनती है या सॉस के साथ आप खाएं। और इसके ऊपर आप चीज़ भी लगा सकते हैं, अदरक भी घिस के हरी मिर्च हरा धनिया ऊपर से डालकर भी खा सकते हैं या प्याज टमाटर शिमला मिर्च पर डाल के भी खा सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं। ये आपका मन है किस तरीके से आप खाना चाहते हैं। बहुत से जने इसमें आलू का मसाला भर के भी खाना पसंद करते हैं, परंतु हेल्थ के हिसाब से आलू ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिंपली खाना है तो आप ऐसे ही बनाकर पूरा इसको अच्छी तरफ से दोनों साइड से सेक लें और सेकने के बाद इसको चटनी से लगा कर खाएं। सुबह का नाश्ता या शाम का नाश्ता आपको जैसे भी मन है रात के डिनर में भी इसको खा सकते हैं। बहुत हल्का खाना और हरी मूंग की दाल यूज़ करें। ये हेल्दी नाश्ता आप खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, अपने घर वालों बच्चों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी लगने वाला नाश्ता है। देखिए कितनी वेराइटीज से आप अपने बच्चों को खुद अपना खा सकते हैं, परोस सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगने वाला नाश्ता। मेरे कहने से आप जल्दी से उठ जाइए और तैयार हो जाइए नाश्ता बनाने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।